दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। जेल में इंसुलिन मुहैया कराने और डॉक्टर से वर्चुअली मिलने की मांग की गई। जेल में बंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी होगी सुनवाई। ईडी के समन को चुनौती और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की गई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने एलजी को सौंपी रिपोर्ट, कहा केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं, डॉक्टर उनकी हेल्थ का रख रहे हैं ख्याल। केजरीवाल के लिए इंसुलिन लेकर तिहाड़ जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, जेल प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय का बयान, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में आक्रोश। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से अर्जी की कॉपी के बारे में पूछा था सवाल। आज यूपी के चुनावी दंगल में फिर उतरेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी के साथ दोपहर 2 बजे अलीगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संपत्ति बांट देंगे वाले तंज पर सियासी हंगामा, राहुल गांधी समेत विपक्ष ने किया पलटवार। बांसवाड़ा की रैली में मोदी ने कांग्रेस को लेकर कहा, कांग्रेस आपका सोना चांदी हड़पना चाहती है, आपकी मेहनत की कमाई उनमें बांटेगी जिनके ज्यादा बच्चे। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस शहरी नक्सलियों के चुंगल में है, कांग्रेस का घोषणा पत्र माओवाद को बढ़ावा देने की कोशिश। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा, कहा जो मैदान छोड़कर भागे वो राजस्थान से राज्यसभा में आए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान को झूठा बताया, सोशल मीडिया पर लिखा, घबराकर जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं पीएम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी की बौखलाहट उनके भाषण में दिख रही है, प्रथम चरण के नतीजों में इंडी अलायंस जीत रहा है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साधा निशाना, लिखा मोदी की बस एक ही गारंटी, मुसलमानों को गाली दो और वोट बटोरो। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, कांग्रेस देश को मजबूत नहीं बना सकती। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी प्रचार, दोपहर 12 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के कटिहार में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, कहा लालू राबड़ी के शासन में बिहार में जंगल राज आया। असम के सिलचर में अमित शाह का रोड शो, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे, 3 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। मालदा की रैली में राजनाथ सिंह का बयान, ममता सरकार भ्रष्टाचार, गुंडों और क्रिमिनल्स की सरकार। बंगाल के कुमारगंज में सीएम ममता की जनसभा, कहा मुझे और मेरे भतीजे अभिषेक को जान से मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। कोरबा की रैली में बोले सीएम योगी, कांग्रेस सरकार में देश असुरक्षित था, भुखमरी और पलायन बड़ी समस्या थी। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज करेंगे रोड शो, उनके साथ सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकार दीपिका और सुनील लहरी भी रहेंगे साथ। पीएसपी सुप्रीमो मायावती आज गौतम बुद्ध नगर में करेंगे चुनाव प्रचार, सिकंदराबाद में जनसभा को करेंगी संबोधित। कांग्रेस की तरह बीजेपी का भी ध्यान किसानों पर नहीं है, बीजेपी की नीतियां दलित वंचितों के लिए सही नहीं, मायावती का बयान। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज फिर बिहार के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार, पूर्णिया जिले में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। एनसीपी अजीत पवार गुट आज मुंबई में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगा, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की 17वीं सूची जारी, आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, गोंडा से बदला उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा देश की जनता महंगाई से परेशान है, पीएम महंगाई की बात नहीं करते। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर बोले बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी, देश को गाली देने वाले को कैंडिडेट बनाकर कांग्रेस ने नुकसान किया। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप, छिंदवाड़ा से कमलनाथ परिवार हारेगा, सीएम मोहन यादव का दावा। बाड़मेर में बोले द ग्रेट खली, पीएम ने विकास के वो काम किए जिनके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, राहुल गांधी खुद जुमला बन गए हैं। लखनऊ से बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को करेंगे नामांकन, पार्टी के लिए पार्टी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। रांची में इंडिया अलायंस की रैली, केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए खाली रखी गई 2 सीटें, तबीयत खराब होने से राहुल गांधी नहीं हुए शामिल। रैली में शामिल हुई सुनीता केजरीवाल, कहा सीएम केजरीवाल को सत्ता की भूख नहीं है, वो सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं। रांची की रैली में कांग्रेस चीफ खड़गे की 2 टूक, सोरेन और केजरीवाल को जेल में डालने से इंडिया अलायंस डरेगा नहीं। रांची की रैली में शामिल हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने मोदी शाह पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी शाह ने देश को 10 साल पीछे धकेला, इस बार बीजेपी की विदाई तय, मोदी सरकार में गरीबी महंगाई बढ़ी, पीएम ने सिर्फ जुमलेबाजी की, रांची में बोले तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश के बयान पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का पलटवार, कहा उन्होंने कोई काम नहीं किया है इसलिए लालू परिवार पर ही बोलेंगे।
कर्नाटक के हुबली में नेहा की हत्या बनी बड़ा मुद्दा। हत्या के विरोध में बीजेपी आज कर्नाटक में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। लव जिहाद का लगाया आरोप। नेहा हिरेमथ के परिवार से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नेहा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। हुबली धाड़ावाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद हैं नेहा के पिता निरंजन। स्कूली नौकरी घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और कुछ अधिकारी मामले में हुए थे गिरफ्तार। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अमित कत्याल को बनाया है आरोपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन जाएंगे। करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भीषण आग लगी। आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। लैंडफिल साइट के बड़े हिस्से तक फैली आग। आसपास रहने वाले लोगों ने धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत की कही बात। मध्य प्रदेश के गुना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। रेप के आरोपी के घर को ध्वस्त किया। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के पास एक निर्माणाधीन इमारत में आग लगी। आसपास के इलाकों में मची दहशत। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी टक्कर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। साई किशोर की फिरकी के जाल में फंसे पंजाब किंग्स के बल्लेबाज। गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से शिकस्त दी।